कैसेकने.com से मैं हूँ गोगी और आपके यहाँ पर हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आज जो जानकारी देने वाले हैं वो देने वाले हैं इस जियो फाई के वाईफाई हॉटस्पॉट जो कि है नया जियो फाई 4G+ वाईफाई हॉटस्पॉट डोंगल। और आज जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इसका वाईफाई पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा लो ताकि ऐसी वीडियोज़ और मिलती रहे। सबसे पहले देखिए आपको जाना है अपने फ़ोन के अंदर और यहाँ पर आपको कर लेना है अपने वाईफाई को ऑन। वाईफाई को ऑन करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर ये डिवाइस आपको कनेक्ट कर लेनी है। उसके बाद चले जाइए आप इंटरनेट ब्राउज़र में, कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र आपका हो सकता है। वहाँ पर आपको टाइप करना है 192.168.100.1 और वहाँ पर आप जो वो आगे चले जाइए। इस तरह का यूज़र इंटरफेस मिलेगा आपको, 4G माईफाई लिखा हुआ ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डालना है पासवर्ड एडमिन और यूज़र नेम और एडमिन पासवर्ड दोनों डालने हैं एडमिन, और ओके कर दीजिए लॉगिन पर। तो जैसे ही हम लॉगिन पर ओके करते हैं, जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। आप देख सकते हैं लॉगिन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। वहां से आपको देखिए करना क्या है, वाईफाई वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहां से जैसे आप वाईफाई के ऑप्शन पे जाओगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो वाईफाई का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो आप इस पासवर्ड को यहाँ से जो वो चेंज कर दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया है और अब कर देता हूँ क्लिक सेव पर। तो सेव पे क्लिक करते देखिए हमारी डिवाइस 1 सेकेंड के लिए बंद होगी और फिर दोबारा से स्टार्ट होगी। और इसके बाद जो आपका वाईफाई का जो पासवर्ड आपने सेट किया है वही वाला पासवर्ड जो वहाँ आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको जो अकाउंट है यहाँ जा कर के वाईफाई के अंदर आपको यहाँ से जो वो इसको आपको कनेक्शन को फॉरगॉट कर लेना है और उसके बाद दोबारा से जो वो आपको वाईफाई का नया पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है, कनेक्ट करना है। अगर आपको ये वाली जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब घंटी दबा लीजिए ताकि ऐसी गजब की वीडियोज़ और मिलती रहे।